आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में व्हाट्सएप ये ऐप ने आज एक नया मैसेज लोगों के मोबाइल में इंटीमेशन के तौर पर देकर सभी लोगों को चौंका दिया है। यानी कि उस मैसेज को कहा जाता है पॉप अप मैसेज, जो मैसेज के अंदर ऐसे रूल्स और रेगुलेशन लगाए गए हैं आपकी सारी प्राइवेसी चली जाएगी। यानी कि व्हाट्सएप अब तक अपना डेटा शेयर नहीं करता था, यानी कि अपना डेटा ना तो स्टोर करता था ना तो किसी और को शेयर करता था। हम बहुत सारे ऐप को देखे होंगे जहां पर हम ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर बताया जाता है कि अलाउ द फोन्स, अलाउ द फोन रिकॉर्डिंग, अलाउ द पिक, अलाउ द आपके फोटोज, यानी कि वो एप्लीकेशन वाले आपके सारे डेटा को देख सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा ऐप था व्हाट्सएप जो किसी भी तरह से कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन उसके अपने पास कलेक्ट नहीं करता था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बताएंगे, यानी कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को एक फोटो भेजी तो मेरे पास और उस व्यक्ति के पास ही वो फोटो हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि वो नए टर्म्स और कंडीशंस जो है इस ऐप के अंदर लाने वाले हैं। क्योंकि व्हाट्सएप अब तक जो डेटा सेव नहीं करता था, यानी कि अपने पास संभाल के नहीं रखता था, लेकिन वो अब अपना डेटा, सारा डेटा जो हम फोटोज भेज रहे हैं या किसी भी प्रकार से जितनी भी इंफॉर्मेशन हम व्हाट्सएप पर भेजते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वो अपने पास रख सकता है या किसी और को शेयर भी कर सकता है। ये सारे कंडीशंस उसके बदलने वाले हैं। उस पॉपअप मैसेज के अंदर है क्या, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है उस मैसेज के अंदर ये कहा गया कि 8 फरवरी 2021 यानी कि 8 फरवरी 2021 से पहले पहले आपको उस मैसेज पर, उस पॉपअप मैसेज पर आपको एग्री करना है। अगर आप एग्री नहीं करते, उन शर्तों को नहीं मानते, तो आपके मोबाइल में से 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। यानी कि सीधे सीधे तौर पर उसने कहा है कि आपको अगर व्हाट्सएप यूज करना है तो हम आपका डेटा स्टोर करेंगे, शेयर करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको 8 फरवरी से पहले उस एग्री बटन को दबाना है या तो फिर व्हाट्सएप को बंद करना है। साइबर एक्सपर्ट जो हमारे हिंदुस्तान के जो है, जितेंद्र जैन, जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइबर एक्सपर्ट हैं, उनका यह कहना है कि अगर हम इस कंडीशन को मानते हैं तो हमारा सारा डेटा उनके पास चला जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर सबसे बड़ी प्राइवेसी हम लोग देखते हैं, इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे को, लेकिन अब व्हाट्सएप जो है उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी देख सकेगा, सुन सकेगा, जांच सकेगा। भारत सरकार क्या ऐसे कंडीशन लगाने वाले ऐप को भारत सरकार की तरफ से कोई चुनौती जाएगी या भारत सरकार इसके ऊपर ठोस कदम उठाएगी? जो व्हाट्सएप ऐप है वो ऐप हमारी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, उसके अंदर और क्या क्या चीज है वो भी हम लोग जानेंगे। तो फेसबुक से डेटा शेयर भी कर सकेगा, यानी कि हमारा जो डेटा होगा वो किसी अन्य व्यक्ति से भी शेयर कर सकेगा, ऐसा भी हो सकता है। फेसबुक की सहायक कंपनियों से भी डेटा शेयरिंग होगी, यानी कि देखिए अगर हम इंस्टाग्राम पर कोई फोटोज अपलोड करते हैं तो डायरेक्ट अगर हमको किसी फेसबुक के अंदर भी भेजना है तो इंस्टाग्राम से डायरेक्ट हम फेसबुक वालों को भी भेज सकते हैं। तो वहां पर जो है साफ तौर पर से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सारे पिक्चर्स दिख सकते हैं, सभी लोगों को देख सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप था जहां पर भेजने वाला और लेने वाला दो ही लोगों के बीच में प्राइवेसी हुआ करती थी, लेकिन अब बीच में व्हाट्सएप की कंपनी आ गई है, यानी कि वो अपनी डेटा जो है, हमारा जो डेटा होगा प्राइवेसी वाला डेटा, वो किसी और के साथ भी शेयर कर सकेगा। क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर जितनी भी हमारी डिक्शनरी होगी, फोन नंबर्स की, किसके किनके साथ हम लोग चैटिंग करते हैं, वो सारे नंबर्स भी उसके पास होंगे, ट्रांजेक्शन्स होगा, यानी कि व्हाट्सएप के जरिए जो भी चीज़ें हम लोग शेयर कर रहे हैं वो भी होगा। तो ये साथ ही साथ और क्या करेगा, लोकेशन, यानी कि हम लोग कहां पर हैं वो लोकेशन को भी वो ट्रेस कर सकेगा, और साथ ही साथ हमारा फोन का आईपी एड्रेस भी वो शेयर कर सकता है, यानी कि जो है मोबाइल के अंदर जो आईपी एड्रेस होता है वो भी अपने पास रख सकता है, उसको भी सेव कर सकता है। तो ऐसी बहुत खतरनाक, जो हम पूरे दुनिया में सोचते थे कि व्हाट्सएप ही हमको एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है जहां पर हम प्राइवेसी के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन व्हाट्सएप के इस पॉपअप मैसेज ने आम लोगों को चौंका दिया है, जिसके कारण पूरे दुनिया के अंदर व्हाट्सएप कंपनी जो ये लाने वाली है, ये जो कर रही है, वो हमारा डेटा कलेक्ट करके शेयर भी कर सकता है।
तो व्हाट्सएप हमारे लिए जो आज तक प्राइवेसी वाला व्हाट्सएप था, लेकिन 8 फरवरी के बाद वो व्हाट्सएप हमारे लिए प्राइवेसी नहीं रहेगा, बल्कि वो सारा डेटा जो है व्हाट्सएप कंपनी अपने पास कलेक्ट कर सकती है। तो ये आज हमने इसलिए आपको जानकारी दी क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप पर कोई खास जानकारी भेजते हैं तो उससे पहले जो है इस मैसेज को जो है आपको एग्री करना होगा और आपका सारा प्राइवेसी का जो डेटा होगा वो डेटा व्हाट्सएप अपने पास स्टोर कर सकेगा। आज हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, सभी लोगों को जो है ये बताना चाह रहे थे कि व्हाट्सएप जो अब तक प्राइवेसी थी, लेकिन आज के 8 फरवरी 2021 के बाद जो है वो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। आगे की न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज़ादी बचाओ न्यूज़ और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।